What's up guys, good morning to everyone. I am Sudhir. Today the lecture start. So जैसा कि हम पहले बताए थे आप लोगों को कि मैं एक मिशन लेकर चलूँगा कि हर एक मंथ का हम करंट अफेयर्स स्टार्ट करें और हर एक मंथ का लेकर चले ताकि पीछे का भी रिवीजन हो सके, और रिवीजन करना बहुत ही आवश्यक हो जाता है किसी भी एग्ज़ाम के लिए. तो हम रिवीजन करते हुए भी चलेंगे और पीछे का सारा मई मंथ से हम लोग स्टार्ट करेंगे. मई मंथ से तो करंट अफेयर्स ये मई मंथ का है. और इससे पहले आपको बता दें कि यह वीडियो कम से कम 30 या 35 मिनट का होने वाला है ताकि आप लोगों को भी कोई प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े ज़्यादा हो तो वीडियो लंबा, और मुझे भी कोई प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े अपलोड करने में, ताकि अपलोड करने में काफ़ी समय लगता है. तो चलते हैं. और आज का एक बहुत बढ़िया शानदार कोर्स है, दर्द गम और डर जो भी है बस तेरे अंदर है, खुद के बजाय पिंजरे से निकल कर देख, तू भी एक सिकंदर है, तू भी एक सिकंदर है. जी हाँ, आप एक कंफर्ट जोन से निकलना पड़ेगा, आपको कंफर्ट जोन से निकल कर अपना कार्य करना पड़ेगा. और जब तक कंफर्ट जोन में आप रहेंगे तब तक कुछ संभव नहीं है. कंफर्ट जोन से निकलिए और आप अपने अंदर झांकिए कि आप एक सिकंदर हैं, आप भी एक वो इंसान हैं जो कि एक अच्छा कार्य कर सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, आप में हिम्मत है, आप सब कुछ कर सकते हैं. अगर एक व्यक्ति कर सकता है, बोला जाता है कि इफ़ यू डू सो आई कैन आल्सो डू, तो अगर आप कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ. ये अंदर मन में ठानिए और आगे बढ़िए. तो आपको बता दूँ कि इसका PDF भी आपको मिल जाएगा टेलीग्राम पे, उसका मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भेज दूँगा. टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाइए और हर एक वीडियो का आज तक का जो जितना भी वीडियो बनाया हो उसका लेक्चर आपका PDF मिल जाएगा उस पर, और इसका भी PDF मैं प्रोवाइड कर दूँगा वहाँ पर. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दूंगा. टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पे आपको रिवीजन कर सकते हैं PDF से भी. तो चलते हैं, आज का हम देखते हैं क्या है मई मंथ का करंट अफेयर्स क्या क्या है और रिवीजन करते हैं. देखिए यहाँ पर एक कोर्स लिखा गया है, यदि आप गुलाब की तरह खिलना चाहते हैं तो कांटों के साथ तालमेल की कला सीखनी होगी. जी हाँ, अगर आप एक अच्छे विद्यार्थी बनना चाहते हैं, एक अच्छे इन्वायरमेंट में रहना चाहते हैं, जो गलत इन्वायरमेंट है उसके साथ कला सीखनी होगी कि उसके पास उसके साथ हम कैसे रहें, उसको मैं कैसे टेकल करूं, गलत व्यक्ति से कैसे टेकल करूं और अच्छे व्यक्ति के साथ कैसे रहूं, अच्छे स्टूडेंट के कैसे साथ रहूं, ये आपको टेकल करना पड़ता है. तो चलते हैं, आज का करंट अफेयर्स ये मई मंथ का करंट अफेयर्स स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर में. तो आपको बताया मैं पहले ही कि आप इसका PDF भी पा सकते हैं टेलीग्राम पर, वहाँ पर जाइए, ज्वाइन हो जाइए और इसका PDF भी आपको मिल जाएगा. तो आई होप कि ऑल ऑफ यू एंजॉय दिस लेक्चर, एंड कमेंट करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए अगर अच्छा लगे तो, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट करिए, मैं आपको पूरा पूरा साथ दूंगा, आपको बताऊंगा. ठीक है, तो गाइड चलते हैं आज का. देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है ये, वर्ल्ड रेड क्रॉस डे सेलिब्रेटेड ऑन, वर्ल्ड रेड क्रॉस डे होता है, सेलिब्रेट किया जाता है ये पूरे विश्व में, तो मई 8 को ये सेलिब्रेट किया जाता है. चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2, IOC फुल फॉर्म, IOC का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इंटरनेशनल ओलंपिक कम्युनिटी होता है IOC का फुल फॉर्म. ये देखिए इंटरनेशनल लेवल पे जो ओलंपिक कम्युनिटी होती है, जो ओलंपिक खेला जाता है इंटरनेशनल लेवल पर, ये IOC होता है. ठीक है, चलते हैं. अगर IOC की बात करें हम तो ये फाउंडेशन किया गया था 1894 में, ये IOC इंटरनेशनल ओलंपिक कम्युनिटी को इस्टेब्लिश किया गया था. तो इतना कुछ जानकारी इसके बारे में रख सकते हैं आप लोग. फिर थर्ड क्वेश्चन है, PUDR फुल फॉर्म, PUDR फुल फॉर्म, तो PUDR का फुल फॉर्म क्या होगा, तो PUDR का फुल फॉर्म होता है पीपुल अनएम्प्लॉयमेंट डेमोक्रेटिक राइट, पीपुल अनएम्प्लॉयमेंट डेमोक्रेटिक राइट. जो पीपुल होते हैं, जो अनएम्प्लॉयमेंट पीपुल होते हैं, बेरोजगार जो लोग होते हैं, उनके डेमोक्रेटिक जो राइट है, जो संवैधानिक जो हक है, उसको लेकर बात की जाती है. तो पीपुल अनएम्प्लॉयमेंट डेमोक्रेटिक राइट होता है ये. ठीक है, तो
राइट टू वर्क, राइट टू फ्रीडम, राइट टू रिलीजन आप जानते ही होंगे। तो ये चीज़ें 12 से 35 अनुच्छेद जो हैं, 12 से 35 आर्टिकल, 12 से 35 आर्टिकल के बीच में हमारा राइट आता है, फंडामेंटल राइट। उसमें इसकी बात की जाती है कि अनएम्प्लॉयमेंट डेमोक्रेटिक राइट होता है। तो चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 4 है CBDT फुल फॉर्म। CBDT का फुल फॉर्म क्या होगा? CBDT का फुल फॉर्म, तो CBDT का फुल फॉर्म होता है, आपको बता दें कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेशन, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेशन होता है CBDT का फुल फॉर्म। तो सेंट्रल बोर्ड का जो डायरेक्ट टैक्सेशन लगता है, जो सेंट्रल बोर्ड का डायरेक्ट जो टैक्स लगता है उसको बोलते हैं CBDT शॉर्ट फॉर्म में। तो ये डायरेक्ट टैक्स होता है, जैसे GST एक टैक्स होता है, लेकिन डायरेक्ट टैक्स नहीं होता है। अगर आपके बैंक से अगर आपका कोई टैक्स कट रहा है तो वो डायरेक्ट टैक्स कराता है, तो वो होता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स CBDT। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में, DPF फुल फॉर्म। DPF का फुल फॉर्म क्या होता है? तो आपको बता दें DPF का फुल फॉर्म होता है, DPF का डिफेंस प्रोसेसमेंट प्रोड्यूसर्स, डिफेंस प्रोसेसमेंट प्रोड्यूसर, जो डिफेंस में एक प्रोसेसमेंट प्रोड्यूस किया जाता है वो होता है DPF। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे, CDS का फुल फॉर्म। तो CDS का फुल फॉर्म होता है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। जी हाँ, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ होता है CDS का फुल फॉर्म, जो कि ये आपके डिफेंस में जो चीफ होते हैं, एक CDS का दर्जा दिया जाता है तो उनको चीफ बोला जाता है डिफेंस का। तो वो CDS होते हैं कोई भी डिफेंस में, आर्मी एयरफोर्स ने भी हमारा डिफेंस है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 है, DRDO फुल फॉर्म। DRDO का फुल फॉर्म मैंने आपको बार बार बताया है हर एक लेक्चर में, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन होता है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO होता है, जो कि ये आपके डेवलप करता है, आपके डिफेंस को डेवलप करने में बहुत बड़ा योगदान होता है इसका। और कहीं भी अगर जैसे कि डिफेंस में अगर कोई भी डेवलप करना है किसी भी क्षेत्र में, या वो मिसाइल के रूप में हो, या गोली बंदूक के रूप में हो, या छोटे छोटे चीज़ें हैं जो उसमें डेवलप की जाती हैं, तो DRDO के तरफ से ही डेवलप किया जाता है। तो ठीक है, इतना कुछ तो जानकारी रख सकते हैं आप DRDO के बारे में। और DRDO के बारे में मैंने बहुत लेक्चरों में बताया है आपको कि DRDO होता क्या है और DRDO क्या है। तो अगर DRDO की अगर फाउंडेशन की बात करें तो 1958 में इसका फाउंडेशन किया गया था, 1958 में DRDO का। तो डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन होता है, इसका इस्टेब्लिश किया गया था 1958 में। तो इतना कुछ जानकारी आप लोग रख सकते हैं इसके बारे में। तो आगे अगर हम चलें तो क्वेश्चन नंबर एट है मेरा ISPRL फुल फॉर्म। ISPRL का फुल फॉर्म क्या होगा? तो ISPRL का फुल फॉर्म होता है इंडियन स्ट्रेटजिक पेट्रोलियम रिजर्व लिमिटेड। इंडियन का जो स्ट्रेटजिक पेट्रोलियम रिजर्व लिमिटेड है वो ISPRL होता है, जो पेट्रोलियम को लिमिटेड करता है, ये रिजर्व करता है। लिमिटेड पेट्रोलियम कंपनी है जो इसको ISPRL बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर नाइन है अगर हम इसमें कुछ आपको बताएं कुछ, तो ISPRL जो होता है पेट्रोलियम, तो जानते ही है कि जो नेचुरल गैस होती है, नेचुरल गैस फाउंड किया गया था 2005 में हमारा नेचुरल गैस फाउंड किया गया था। तो इसके बारे में जानकारी रखिएगा। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर नाइन है फॉर्मर डायरेक्टर ऑफ एनसीईआरटी के फॉर्मर डायरेक्टर कौन है? ये फॉर्मर डायरेक्टर हैं, ध्यान रखिएगा, ना कि डायरेक्टर हैं। तो फॉर्मर डायरेक्टर हैं जो एनसीईआरटी के, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च ट्रेनिंग। तो इसके फॉर्मर डायरेक्टर अभी कृष्णा कुमार इसके फॉर्मर डायरेक्टर बने हुए हैं अभी। क्वेश्चन नंबर 10 है मेरा फुल फॉर्म ऑफ BRO। BRO का फुल फॉर्म, तो BRO का फुल फॉर्म होता है बोर्ड रोड ऑर्गेनाइजेशन। बोर्ड रोड
ऑर्गेनाइजेशन, ये बोट रोड ऑर्गेनाइजेशन अभी नेपाल के बीच में देखा गया, नेपाल और इंडिया के बीच में जो अभी एक रोड डेवलप किया जा रहा था, वो बोर्ड ऑफ रोड ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू ही वो किया गया था, डेवलप किया जा रहा था वर्ल्ड रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। तो ये बीआरओ को फॉर्म ध्यान रखिएगा, बीआरओ होता क्या है, तो ये रोड को डेवलप करता है किसी भी दो कंट्री के बीच में या, तो ठीक है। अगर बीआरओ के बात करें तो इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में पड़ता है, बीआरओ का न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर पड़ता है, और इसका फाउंड किया गया था 1960 में, इसका बीआरओ का फाउंडेशन किया गया था, तो इतना कोई जानकारी रख सकते हैं। अगर 11 क्वेश्चन पे चले तो एफएओ फुल फॉर्म, एफएओ का फुल फॉर्म क्या होगा, तो फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन होता है इसका, एफएओ का फुल फॉर्म फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ये फूड के रिलेटेड एग्रीकल्चर के जो ऑर्गेनाइजेशन होता है ये एफएओ होता है, ठीक है। तो इतना कुछ जानकारी इसके बारे में रख सकते हैं, इसके बारे में तो उतना कुछ जानकारी है नहीं, लेकिन इसका ध्यान रखिएगा कि फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन होता है। बहुत बार आपको ऐसे ऐसे ऑप्शन मिल जाएंगे जिससे कि आप लोगों को पता चलेगा कि ये सही लग रहा है लेकिन ये कुछ सही नहीं है, इसका होता है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, आपको डाउट में कर सकता है ये चीज़ें। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे, सार्क फुल फॉर्म SAARC, सार्क फुल फॉर्म, सार्क का फुल फॉर्म क्या होता है, तो सार्क का फुल फॉर्म आपका होता है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन, लास्ट ऑप्शन है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन जो होता है, ये साउथ एशिया का जो होता है ये सार्क होता है। सार्क में कितने कितने कंट्री आते हैं थोड़ा कमेंट बॉक्स में बताइएगा आप लोग कि सार्क में कौन कौन कंट्री आती हैं, अभी आगे भी हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में, लेकिन अभी आप लोगों को कमेंट करना है कि सार्क में कौन कौन देश होते हैं एशियन में, ठीक है, एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉरपोरेशन में। चलते हैं सार्क के बारे में हम आपको आगे अभी बताएंगे, तो इसलिए मैं अभी नहीं बताया यहाँ पे, तो आप लोग बताइए इसका कमेंट करिए कौन कौन देश होते हैं अभी सार्क में। तो क्वेश्चन नंबर 13 में चलते हैं, CPWD का फुल फॉर्म, CPWD फुल फॉर्म, तो CPWD का फुल फॉर्म क्या होगा, तो सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, ये PWD जो होता है वो CPWD हो जाता है, या CPWC नहीं बोलते हैं कभी काल, कभी काल PWD ही बोल देते हैं, ये PWD ही है जो कि सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट होता है। ये वर्क जो होता है ये पब्लिक वर्क जो होता है, जैसे रोड एग्रीकल्चर करना है, रोड डेवलप करना है एग्रीकल्चर के रूप में, या कहीं भी ये पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट होता है, कंस्ट्रक्शन का काम होता है, तो ये पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट में आता है। आप कहीं देखे भी होंगे कि अगर कहीं रोड बना हुआ है, पुल बनी हुई है, तो उस पर PWD लिखा जाता है, क्योंकि ये पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट के अंदर आता है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 है, IMD फुल फॉर्म, IMD का फुल फॉर्म क्या होगा, तो IMD का फुल फॉर्म होगा IMD का फुल फॉर्म होगा इंडियन पेट्रोलियम डिपार्टमेंट, इंडियन पेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, पेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो कि इंडिया का पेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है वो होता है इंडियन पेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट IMD, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 15 में चलते हैं, हाउ मैनी कंट्री इन्वॉल्व इन G7 कम्युनिटी, कितने कंट्री इन्वॉल्व है G7 कम्युनिटी में, तो G7 में 7 से ही पता चल रहा है कि 7 कंट्री इन्वॉल्व है, ठीक है। अगर G8 रहता तो 8 कंट्री रहती है, G11 रहता तो 11 रहती है। चलिए क्वेश्चन में आगे चलते हैं 16 पे, 16 क्वेश्चन, इफ एक्सपेंड, देखिए एक क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है और पूछा जाएगा, इस क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा और इस क्वेश्चन का हिंदी समझे पहले क्या कह रहा है। इफ एक्सपेंडेड इट्स सो मेड विल बी G11, सो विच कंट्री ज्वाइन, अगर बोल रहा है कि G7 को एक्सपेंड कर दिया जाए और G11 बना दिया जाए, अभी G11 बनाने की बात की जा रही है हमारे WHO के द्वारा, तो WHO द्वारा या
हाँ, WHO के द्वारा अभी G11 बात करने जा रही है करने की, यूएसए के द्वारा। यूएसए जो हमारा कंट्री है, इसका मेन अमेरिका जो है इसका मेन माना जाता है, तो अभी G11 बनाने की बात कर रहा है अमेरिका। तो चलते हैं, अगर तो उसमें यही बोल रहा है, अगर G11 बनाया जाएगा तो इसमें कौन कौन सी कंट्री इन्वॉल्व होगी, तो कौन कौन सी कंट्री इन्वॉल्व होगी, तो इंडिया, रसिया, साउथ कोरिया और ऑस्ट्रेलिया इन्वॉल्व होगी। देखिए, इंडिया भी इनमें इसमें G7 में इन्वॉल्व होने वाली है, तो इसका ध्यान रखिएगा कि बहुत खुशी की बात भी है, इंडिया G7 में कम्युनिटी में इलेवन इन्वॉल्व होगी और हमारा G11 बन जाएगा G7, जो कि इंडिया, रसिया, साउथ कोरिया और ऑस्ट्रेलिया ज्वाइन करेगा। तो क्वेश्चन नंबर 17 है, वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे सेलिब्रेटेड ऑन, वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? जी हाँ, वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे 7 जून को, 7 जून को ये सेलिब्रेट किया जाता है। और जैसे कि पिछले क्वेश्चन में अगर हम देखें, तो आप बताया था मैं कि G7 के बात बारे में मैं बात करूंगा इसके, तो G7 के भी बारे में हम बात कर लेते हैं। तो G7 में कौन कौन सी कंट्री है, तो बता देते हैं आपको, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, यूके जो कि जिसको ब्रिटेन बोलते हैं, और इटली, जापान और अमेरिका। तो ये 7 कंट्री है, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, यूके, जापान, इटली और अमेरिका। 1 2 3 4 5 6 7 7 कंट्री है मेरा इन्वॉल्व हो रही है G7 में, ये कंट्री है। लेकिन अगर G11 बनाएंगे तो ये कंट्री इन्वॉल्व होंगी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं, 17 में मैंने डिस्कस कर लिया था कि वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे 7 जून को किया जाता है, और ये फूड सेफ्टी के लिए किया जाता है, जो कि बहुत सारे लोग जो हैं फूड वेस्ट करते हैं और फूड को कूड़ेदान में फेंक देते हैं, लेकिन इसी को सेफ्टी करने के लिए ये 7 जून को वर्ल्ड सेफ्टी डे मनाया जाता है, फूड डे, सेफ्टी डे। तो क्वेश्चन नंबर 18 है, CBI फुल फॉर्म, CBI का फुल फॉर्म क्या होता है, CBI का फुल फॉर्म क्या होता है? तो CBI का फुल फॉर्म क्या होता है, तो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन होता है। कोई भी एक मैटर होता है अगर मर्डर के रिलेटेड, तो CBI जांच होती है। अभी सुशांत सिंह राजपूत पे जो मर्डर किए गए थे, जो अपने आत्महत्या कर लिए, उनको बोल रहा है किया गया कि मर्डर किए गए हैं, ये आत्महत्या नहीं है, तो उन पर CBI जांच करने की बात की जा रही है। तो यहीं CBI होता है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ये कुछ इन्वेस्टिगेशन करेगा, उस पर जाँच पड़ताल करेगा। तो चलते हैं, ये जाँच पड़ताल करता है CBI और कुछ हल निकालता है, तो ये होता है CBI, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 19 है, लोकसभा सीट, लोकसभा सीट में कितने सीट हैं लोकसभा में? तो 545 सीट है, 545 सीट है लोकसभा में, और राज्यसभा में 245 सीट है, ठीक है। तो ये कन्फ्यूजन ना रखिएगा, ये कन्फ्यूजन ज़्यादा ही होता है लोकसभा और राज्यसभा सीट को लेकर। तो लोकसभा सीट यानी कि लोकसभा यानी कि 545, यानी कि लोकसभा मतलब ज़्यादा और राज्यसभा मतलब कम, राज्य कम में आता है और लोकसभा को सेंटर मानिए। तो ऐसे आप लोग को इमेजिन कर सकते हैं, लोकसभा मतलब सेंटर, तो सेंटर में ज़्यादा आ गया पावर, ज़्यादा पावर आ गया तो ज़्यादा सीट यानी कि 545। और राज्यसभा, राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा सेंटर सरकार से ही चलती है, सेंटर सरकार के माने मानती है, तो सेंटर सरकार की जब मानती है तो राज्य सरकार में कम सीट होगा, तो कम सीट होगा यानी कि 245 होगा, 245, ठीक है। तो एक में 545, एक में 245, तो ये ध्यान रखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 21 है, इंडिया फर्स्ट सी ब्रिज पेंडमेंट रेलवे ब्रिज इज एसोसिएटेड विथ द प्लेस। अभी इंडिया फर्स्ट सी ब्रिज पेंडमेंट रेलवे ब्रिज बना रही है, एसोसिएट कर रही है, कहाँ पे? तो रामेश्वरम में, रामेश्वरम में अभी जो इंडिया है फर्स्ट सी ब्रिज बना रही है रेलवे का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 है, व्हाट इज द थीम ऑफ द 2 वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे 2020? थीम
थीम क्या था वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम का 2020 का, तो जर्नलिज्म विथ फीत ऑफ फेवर। देखिए जो प्रेस होता है, प्रेस जो प्रेस बोलते हैं मतलब कि जो मीडिया होती है, मीडिया मीडिया का जो एक फ्रीडम सेलिब्रेट किया जाता है, तो उसका एक आज का ये थीम था ये 2020 का कि जर्नलिज्म विदाउट फेथ ऑफ फेवर किया जाए। तो ये था, इसके बारे में जानकारी रखिएगा। 23 है क्वेश्चन, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज स्टार्टेड सुशक्ति दादा दादी नाना नानी अभियान टू प्रोटेक्ट सीनियर सिटीजन ऑफ ड्यूरिंग COVID-19। देखिए क्वेश्चन समझिए, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जो अभी स्टार्ट किया है सुशक्ति दादा दादी नाना नानी अभियान प्रोटेक्ट करने के लिए सीनियर सिटीजन को ड्यूरिंग COVID-19 से, अभी कोरोना वायरस से प्रोटेक्ट करने के लिए सीनियर सिटीजन को, बूढ़े बुजुर्ग को प्रोटेक्ट करने के लिए। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि WHO ने बताया था कि एज 14 से नीचे वाले को, एज 14 से नीचे वाले को और एज 65 से ऊपर वाले को ज़्यादा COVID-19 होने का आसार बढ़ जाता है। तो जो एज सीनियर सिटीजन वाले थे, जो 65 के ऊपर थे, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए ये अभियान चलाया। कौन सा ऑर्गेनाइजेशन, तो ये नीति आयोग ने चलाया। नीति आयोग के बारे में आपको मैं लास्ट में बताऊंगा कि नीति आयोग होता क्या है। तो चलते हैं, नीति आयोग के आप लोगों को बताऊंगा नीति आयोग होता क्या है। तो नीति आयोग, देखिए नीति आयोग यहीं बता देता हूँ, नीति आयोग एक गवर्नमेंट का, देखिए पहले नीति आयोग है ये ना, और ये पहले गवर्नमेंट का, ये गवर्नमेंट का एक ऑर्गेनाइजेशन होता है जिसके थ्रू ये कोई भी अगर अभियान चलाना होता है तो इसके थ्रू ही ये चलाती है, नीति आयोग के थ्रू ही, ठीक है। तो इतना जानकारी रखिएगा। हाँ, एक क्वेश्चन इसमें बनता है, नीति आयोग तो अब बना है लेकिन नीति आयोग के पहले इसका नाम क्या था, आप इसका कमेंट करके बताइए, नीति आयोग के पहले इसका नाम क्या था। नीति आयोग तो अब बना है लेकिन नीति आयोग के पहले इसका नाम क्या था, कमेंट करके बताइएगा। 24 है क्वेश्चन, रिसेंटली विच इंडिया स्टेट है ऑब्जर्व द फर्स्ट केस अफ्रीकन स्वाइन फ्लू। अभी रिसेंटली कौन सी इंडिया का स्टेट है जो ऑब्जर्व किया है फर्स्ट केस एशियन अफ्रीकन स्वाइन फ्लू चला था सबसे पहले। तो इंडिया के कौन सा स्टेट है जो अभी इसको ऑब्जर्व किया है स्वाइन फ्लू को, आसाम ने किया है अभी ऑब्जर्व। तो क्वेश्चन 25 है, द नेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंट्रल अथॉरिटीज विल बी हेडक्वार्टर। नेशनल जो फाइनेंशियल सर्विस सेंटर है अथोराइट किया है हेडक्वार्टर, तो कहाँ पे किया है अथोराइट हेडक्वार्टर, ये गांधीनगर में किया है, गांधीनगर में ये हेडक्वार्टर को अथोराइट किया है, ठीक है। गांधीनगर कहाँ पे है, तो गुजरात गांधीनगर, ठीक है। तो चलते हैं, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड द आयुष कवच कोविड ऐप। आयुष कवच कोविड ऐप है जो, कौन सा इंडिया का स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है, तो ये उत्तर प्रदेश ने लॉन्च किया है, और उत्तर प्रदेश का राजधानी लखनऊ और इसके CM योगी आदित्यनाथ, ठीक है। चलते हैं, इतना क्वेश्चन कहीं रख सकते हैं। 27 क्वेश्चन है, हु हैज अवार्डेड विथ द कम्युनिकेटिव वर्ल्ड वार सेकेंड मॉडल बाई रसिया। कौन सा अवार्ड है जो अभी कम्युनिकेट वर्ल्ड वार सेकेंड मॉडल बाई रसिया के द्वारा किया गया, तो ये किम जोंग यूएन अवार्ड है जो कि कम्युनिकेट किया गया वर्ल्ड वार सेकेंड मॉडल रसिया के द्वारा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 है, प्राइवेट स्कूल इन विच इंडिया स्टेट प्रोवाइड स्कूल डिसाइड टू रिड्यूस फीस बाय 50% ड्यूरिंग लॉकडाउन पीरियड। प्राइवेट स्कूल इंडिया का कौन सा स्टेट है जो प्राइवेट स्कूल को डिसाइड कर रहा है कि रिड्यूस करना चाहिए फीस 50% लॉकडाउन के चलते, तो ड्यूरिंग लॉकडाउन पीरियड,
कोविड-19 के पीरियड में मिजोरम ने डिसाइड किया है कि 50% जो फीस है उसको रिड्यूस कम किया जाना चाहिए प्राइवेट स्कूलों को। 29 है मुस्तफ़ा अली कंदावानी हैज़ बीन अपॉइंटेड टू न्यू पीएम। तो मुस्तफ़ा अली हैं जो अभी अपॉइंट किए गए न्यू पीएम, कहाँ के? तो इराक के हैं, ठीक है। तो 30 क्वेश्चन है, हु टुक ओवर एट डायरेक्टर जनरल लेबर ब्यूरो आल। अभी कौन से हैं जो डायरेक्टर जनरल लेबर ब्यूरो किए गए हैं? तो DPS नेगी हैं जो कि अभी डायरेक्टर जनरल बनाए गए हैं लेबर ब्यूरो का, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 31 है, वेयर रेड क्रॉस डे ऑब्जर्व एवरी डे ऑन May 8। ये देखिए क्वेश्चन रिपीट हो गया है, पहला ही क्वेश्चन था ये रिपीट हो गया है। तो May 8 को रेड क्रॉस डे, ये वेयर लिखा गया है, ये कहाँ पे सेलिब्रेट किया गया ये गलत हो गया, मिस्टेक हो गया, लेकिन यहाँ पे वेयर होना चाहिए, ये आंसर ही गलत हो गया। तो वेयर मतलब फ्रांस में हुआ था, ये चीज़ें याद रखिएगा कि फ्रांस ने इसको ऑब्जर्व किया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 है, विच स्टेट बिकम द फर्स्ट स्टेट टू प्राइवेट फैसिलिटी ऑफ बेड्स विथ वेंटिलेटर इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ स्टेट। कौन सा स्टेट है जो अभी फर्स्ट स्टेट बना है प्रोवाइड करने के लिए फैसिलिटी, बेड्स फैसिलिटी और वेंटिलेटर फैसिलिटी? तो डिस्ट्रिक्ट कौन सा स्टेट है? तो उत्तर प्रदेश जो है मेरा पहला सबसे स्टेट है जो कि फैसिलिटी ये प्रोवाइड किया है बेड का और वेंटिलेटर का COVID-19 में, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश हम काफ़ी अच्छा मान सकते हैं अभी फिलहाल चल रहा है। 33 क्वेश्चन है, रिसेंटली हु गॉट अ सेकेंड टर्म एज द मरेलेवन द क्रिकेट क्लब MCC प्रेसिडेंट। अभी सेकेंड टर्म मरेलेवन क्रिकेट जो होता है सेकेंड टर्म में अभी कौन सा चुने गए हैं MCC क्लब का? तो कुमार संघ कुकार, ठीक है। 34 है क्वेश्चन, व्हाट इज द थीम ऑफ द वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे। थीम क्या था वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे का 2020 का? तो बर्ड कनेक्टेड आवर वर्ल्ड। तो चलिए, थोड़ा ब्रेक लिया था मैं, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 35 क्वेश्चन, रिसेंटली इंडिया चाइना ट्रॉप्स क्लैशेस नियर एले पास निकुलेस इज इन। तो सिक्किम में अभी इंडिया का और चाइना का ट्रॉप्स जो क्लैश नियर ला पास किया गया, तो सिक्किम से किया गया ये। तो 36 है, नेशनल टेक्नोलॉजी डे ऑब्जर्व एवरी ईयर्स। तो 11 मई को नेशनल टेक्नोलॉजी डे ऑब्जर्व किया जाता है, ये नेशनल टेक्नोलॉजी मनाया जाता है जो कि टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में अगर हम बात करें तो पूरी वर्ल्ड अभी आगे चल रही है, तो इसके लिए 11 मई को नेशनल टेक्नोलॉजी डे मनाया जाता है हर साल। 37 है, व्हाट इज द नेम गिवन टू इंडिया फर्स्ट आइडियोलॉजियस एंटीबॉडीज बेस्ड टेस्टिंग किट्स। अभी क्या नाम दिया गया इंडिया के द्वारा फर्स्ट आइडियोलॉजियस एंटीबॉडीज बेस्ड टेस्टिंग किट को? देखिए आपको बता दें एंटीबॉडीज के बारे में और किट्स के बारे में, तो एंटीबॉडीज वो होता है, अगर अभी देखिए COVID-19 में पेशेंट को बचाने का उपाय क्या है? ना वैक्सीन आई है, रामदेव बाबा की दवाई भी फेल कर गई, आप देख सकते हैं। तो एंटीबॉडीज कहाँ से आती है एंटीबॉडी? तो अभी COVID-19 में जो पेशेंट को बचाने की बात की जा रही थी, तो पेशेंट बच रहे थे हमारे प्लाज्मा थ्योरेपी से। प्लाज्मा थ्योरेपी के बारे में हम आपको लेकर वीडियो आएंगे, प्लाज्मा थ्योरेपी के बारे में पूरी जानकारी देंगे आपको कि प्लाज्मा थ्योरेपी क्या है, लेकिन अभी थोड़ा सा समझ लीजिए। प्लाज्मा थ्योरेपी, प्लाज्मा ब्लड में होता है, ब्लड में प्लाज्मा होता है,
95% लगभग प्लाज्मा ब्लड में होता है और पानी के साथ वाटर के साथ 95%+ होता है। ऐसे तो ये प्लाज्मा 12 से 10% ही होगा। तो ये 95% प्लाज्मा हमारे ब्लड में वाटर के साथ होता है। और ये प्लाज्मा जब हमारे बॉडी में होता है तो इसको जब किसी को COVID-19 हो गया और उसका हम प्लाज्मा निकाल कर किसी दूसरे पेशेंट में डाल दिया और COVID-19 होने के बाद वो बंदा ठीक होना चाहिए, वो बंदा अगर ठीक हो गया और उसका हम प्लाज्मा निकाल कर किसी दूसरे पेशेंट में डाल दिए तो ये माना जा रहा है यहाँ पे ये कैसे ठीक हो जा रही थी, ये जो पेशेंट था ये ठीक हो जा रहा था। तो इसी को अब जब ये जो पेशेंट था जिसके COVID-19 होने के बाद वो ठीक हो गया तो उसका जो बॉडी है एंटीबॉडीज हो गई, तो ये होता है एंटीबॉडी, ठीक है। तो समझ रहे हैं। और टेस्टिंग किट्स जो होता है डॉक्टर मानते हैं, तो उसका नाम दिया गया था पहली बार क्या दिया था, कोविड कवच एल्स दिया गया था उसका नाम। तो इतना कोई जानकारी रख सकते हैं आप इसके बारे में। 38 क्वेश्चन है, मैक्सिमम 10 क्वेश्चन और हैं, हमको जान रहे हैं 10 क्वेश्चन और है। तो चलिए जल्दी करते हैं हम लोग, क्योंकि 30 मिनट ख़त्म भी हो गया, 31 मिनट चल रहा है, तो जल्दी चलते हैं। 37 क्वेश्चन है, 8 क्वेश्चन, हु विल रिमेन द प्रेसिडेंट ऑफ द इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन अंटिल May 2021। तो देखिए नरेंद्र बात्रा जो हैं अभी रिमेन प्रेसिडेंट बने हैं, फिर से प्रेसिडेंट बने हैं इंटरनेशनल हॉकी का, नरेंद्र बात्रा, ठीक है। 39 है क्वेश्चन, विच सिटी ऑफ यूपी इज नो एज द स्पोर्ट्स सिटी ऑफ लैंड, यूपी का कौन सा सिटी है, यूपी स्टेट का कौन सा सिटी है जो अभी स्पोर्ट्स सिटी लैंड के बारे में लैंड के नाम से जाना जाता है। तो मेरठ को अभी स्पोर्ट्स सिटी ऑफ लैंड के नाम से जाना जाता है जो कि उत्तर प्रदेश में है। 40 क्वेश्चन, इंडियन फाइनेंस मिनिस्टर हैज लॉन्च्ड द प्रोग्राम फॉर डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन इन इंडिया, इंडिया जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो लॉन्च किए हैं, फाइनेंस मिनिस्टर कौन है, निर्मला सीतारमण, इंडिया का फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण आपको याद होना चाहिए, जो कि अभी लॉन्च किए हैं प्रोग्राम है डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन इंडिया में। तो उसका विद्या एक ऐप जारी किया गया है, तो विद्या ऐप के जरिए डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन के प्रोग्राम को लॉन्च किया जा रहा है। 41 है, ICMR फुल फॉर्म, ICMR का फुल फॉर्म क्या होगा बताइए, तो ICMR का फुल फॉर्म होगा इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च जो कि इंडिया का जो डाटा देता है COVID-19 का डाटा दे रहा है अभी, या कोई भी रोग प्रतिरोध का डाटा देता है, तो इन ICMR ने देता है इंडिया में, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च होता है जो इसका। मैं ICMR का वीडियो एक लेकर आऊँगा, उसमें ICMR के बारे में पूरी जानकारी दूँगा और DRDO के बारे में भी पूरी जानकारी दूँगा एक वीडियो में। तो आपको मैं एक वीडियो बनाऊँगा जिसमें ICMR का और DRDO के बारे में पूरी आपको जानकारी रहेगी, और DRDO का आपको पहले ही मैं डिस्कस कर दिया था कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन होता है। तो चलते हैं, क्वेश्चन 43, ICMR एस्टेब्लिश्ड के किया गया था कब किया गया था, और DRDO एस्टेब्लिश किया गया था कब किया गया था, इसका आप लोग आंसर दीजिएगा। मैं इसीलिए इसका आंसर यहाँ नहीं लिखा हूँ, इसका आंसर भी नहीं बताऊँगा, इसलिए ताकि मैं आप लोगों से क्वेश्चन ये पूछ रहा हूँ और इसका मैं कमेंट बॉक्स में इसका आंसर मैं कल दे दूँगा। और इसका बताइए कि इस्टेब्लिश कब किया गया था, कम से कम तो आप तो ढूंढिए। इसका तो मैं पहले ही बता दिया हूँ, सबसे पहले बता दिया DRDO का कब इस्टेब्लिश किया गया था, लेकिन ICMR का आप लोग बताइए कि कब इस्टेब्लिश किया गया था। चलते हैं क्वेश्चन 45, MPLIDS फुल फॉर्म, MPLIDS का फुल फॉर्म क्या होगा, तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम, ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का जब MLA बोलते हैं हम, MLA जिनको बोलते हैं वही होते हैं ये, और ये स्कीम है ये 2005 का स्कीम है ये MPLIDS 2005 का स्कीम है। इसके जरिए जो रूरल एरिया में जो ज़्यादा फोकस किया जाता है वर्क को लेकर, जो रूरल एरिया होता है जो गांव का एरिया होता है
उसमें ज़्यादा फोकस किया जाता है कि एमएलए जो है अपना प्रधान से काम कराए। तो ये स्कीम होता है 2005 का है। इतना क्वेश्चन गाइड रख सकते हैं इसके बारे में। 46 है नेचुरल गैस फाउंड 2005 में नेचुरल गैस फाउंड किया गया। ठीक है, ISPRL फुल फॉर्म इंडियन स्ट्रेटजिक पेट्रोलियम रिजर्व लिमिटेड, मैंने पहले ही डिस्कस कर लिया था। ठीक है, नेचुरल गैस की बात करें तो नेचुरल गैस आपका ऑक्सीजन होता है। ठीक है, जैसे तो चलते हैं इंडियन स्ट्रेटजिक बता दिया। 48 क्वेश्चन है OIDB फुल फॉर्म, OIDB का फुल फॉर्म तो ऑयल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बोर्ड होता है। ऑयल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बोर्ड जो कि ऑयल को इंडस्ट्रियल डेवलप करता है, एक बोर्ड होता है जो कि ऑयल को इंडस्ट्री डेवलप करता है, ऑयल इंडस्ट्री डेवलप IOBD होता है। न्यू डायरेक्टर ऑफ NCERT बोर्ड मैंने बता चुका है, कृष्ण कुमार ही है। क्वेश्चन रिपीट हो गए हैं तो चलते हैं। 50 क्वेश्चन है OPIC हेड क्वार्टर लोकेटेड इन, OPIC होता क्या है, हेड क्वार्टर कहाँ पर है इसका, तो ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया इसका हेड क्वार्टर है लोकेटेड। इसका OPIC होता क्या है कि ऑयल पेट्रोलियम और सॉरी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। ठीक है, तो ये पेट्रोल को जो एक्सपोर्ट करता है, पेट्रोल को जो एक्सपोर्ट करता है कंट्री, वो OPIC कंट्री होती हैं। OPIC कंट्री जैसे इंडिया हो गया, ईरान हो गया, ये जो हैं बहुत लार्ज तरीके पर पेट्रोल को एक्सपोर्ट करती हैं OPIC को। तो इतना कोई जानकारी रख सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा ज़्यादा चीज़ें, और आप लोग इन्जॉय किए होंगे। थैंक्स फॉर लिसनिंग, और ऐसे ही सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, ताकि मैं भी मोटिवेट हूँ, आप भी मोटिवेट हों। और ये रहा मेरा पूरा डिस्कशन माई मंथ का करंट अफेयर्स, और इसके बाद मैं चाहूँगा कि जल्दी आ जाए आप लोगों के सामने जून मंथ का करंट अफेयर्स, और उसको भी एंजॉय करिएगा आप लोग, इसको एंजॉय कर लिए। तो मैं आशा करता हूँ कि 10 या 12 दिन में मैं जून मंथ का भी करंट अफेयर्स लेकर आप लोगों के सामने आऊँगा, और उसको भी एंजॉय करेंगे हम लोग। और देखिए, अच्छा लगे तो शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, हमारे साथ जुड़े रहिए। मैं भी मोटिवेट हूँ, आप भी मोटिवेट हों, और मेरा देखिए मकसद एक ही यही है कि गरीब से गरीब परिवार के बच्चे पढ़ सकें और आगे बढ़ सकें, ताकि कोई भी अनएजुकेटेड ना रहे हमारे देश में, और हमारे देश की जनता समझदार हो, शिक्षित हो। और गांव में जो लोग हैं, गांव में बहुत सारे बच्चे हैं जिनको ऑनलाइन क्लास नहीं मिल पा रही है, स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, ट्यूशन कोचिंग नहीं मिल पा रहा है, तो उनको मैं पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि गांव गांव तक मेरा ये लेक्चर देखें लोग। और इंडिया में मैं आपको बता दें अपने वीडियो का डाटा, तो इंडिया में हमारे 73% लोग देख रहे हैं हमारे वीडियो को, और हमारे अभी 700 लोग जो व्यूअर हो गए हैं हमारे, 700 व्यूअर टोटल, और हमारे सब्सक्राइब भी बढ़ रहे हैं। और आशा करता हूँ कि आप लोग हमको सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, और हमको मोटिवेट करेंगे, ताकि मैं और अच्छा वीडियो ला सकूँ और अच्छा कार्य कर सकूँ। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग, और देखिए मेरा वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, मैं सोचा कि 30 मिनट का होगा, लेकिन 40 मिनट का करीब हो गया। तो आशा करता हूँ कि आप लोग इंजॉय किए होंगे। चलिए, जय हिंद आप लोगों को, और ऐसे ही हमको साथ देते रहिए। चलिए, जय हिंद, जय हिंद टू ऑल।